हेलो दोस्तों, बहुत सारे भाई का मैंने देखा हूँ कमेंट आता है कि भाई मेरा बजीज का कॉलोनी में सेट करता हूँ तो बजीज इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बहुत सारे चिक्स नहीं होते हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो गाइज मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि बजीज का जो सेटअप का प्रोसेस है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से जान लेना। आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये मेरा एक वीडियो मैंने डाला था जो कि 85 प्लेयर सेटअप जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एंड इस पे आप इसमें देख सकते हो बहुत बड़ा एक कॉलोनी में मैं सेट किया था बजीज का, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था गाइस। भी मेरे पास जो सेटअप है छोटा सा एक है जो कि 3 पेयर का बजीज का, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पेयर बजीज का सेटअप मैंने यहाँ पे किया था गाइस। एंड इसमें अभी क्या है ना कि सारे चिक्स एक ले किए, चिक्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ना गाइस, ये वाला बड़ा सा चिक्स है। एंड ये यहाँ पे जो चिक्स है बड़ा हो गया है, यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है। एंड सेल्फ फीड पे भी आ गया है लोग, ऊपर में भी आप दिखा सकते हो आपको यहाँ पे जो देख सकते हो गाइस, ए वाले जो है यहाँ पे वो भी चिक्स बड़ा हो गया है। इस वाले साइड में यहाँ पे भी देख सकते हो बड़ा हो गया, तो अच्छा खासा रिजल्ट है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैं 3 पेयर को सेट किया हूँ। लास्ट में मैं इस वाले मटकी को दिया हूँ, बट यहाँ पे ओनली मेन 3 पेयर है। एंड आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, 3 पेयर से बहुत सारे बजेस हो जाएंगे। तो प्रोग्रेस जो सेटअप है इसका प्रोसेस आपको अच्छे से जानना चाहिए कि हाँ, एक मैच्योर जो बर्ड्स है जो अच्छे पेयर ले चुके हैं उनको एक 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 साइज़ का जो केज होता है उस साइज़ का केज में आप सेट करो ताकि बर्ड्स को फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो केज है गाइज, यहाँ पे एक केज का 3 फुट बाई 3 फुट बाई 2.5 फुट एंड हाइट भी आप बात करें तो ये 3 फुट का हाइट भी है। तो इसमें बहुत अच्छे से आप 4 पेयर से यहाँ पे तकरीबन 4 से 6 पेयर तक आप अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि ये ब्रीडिंग कॉलोनी है। तो 3-3 का केस बना सकते हो, उसमें आप आराम से 4 पेयर से 6 पेयर तक आराम से जो ब्रीडर पेयर है ब्रीडर उसको रख सकते हो। तो वहाँ पे आपका अच्छे से प्रोग्रेस आएगा एंड वो लोग फ्लाई करेंगे, क्योंकि उनका जो चिक्स आएंगे वो कम से कम मिनिमम 3 से 4 आएंगे, तो वहाँ पे उनको स्पेस भी चाहिए फ्लाई करने के लिए। आप जैसा आप देख सकते हो कितना अच्छा हेल्दी चिक्स है यहाँ पे, तो गाइस देख सकते हो बहुत हेल्दी है। एंड ऊपर में भी देख सकते हो ये पूरे हेल्दी है एंड बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मटकी के अंदर में भी आप देख सकते हो वहाँ पे फिट करवा रहा है उसका माँ, तो मटकी के अंदर में भी है। एंड इस वाले मटकी में अभी एक ले किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया गाइस यहाँ पे। तो आप लोग को मैं एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप बजीज का सेटअप करें तो अच्छे से एक केज का एक अच्छे माप लेकर के उसमें सेट करें एंड बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा एंड आई होप कि आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा इस वाले वेरी से, जितना भी प्रोडक्शन होगा मैं इसको सेट करूँगा और कैसे मैं यहाँ से फिर बढ़ा लूँगा बहुत सारा। जब मेरे पास एक टाइम में 500-600 बजेस हुआ करता था, बट मैं सब सेल कर दूँ क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड ए वाले जो सेट है गाइस देख सकते हो पूरा ओपन जगह पे मैं दिया हूँ, तो बड़ा सा एबेरी का जो सेटअप था वो मैं पूरा सेल कर दिया हूँ। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कितना अच्छा प्रोग्रेस आ रहा है एंड क्या रिजल्ट मिल रहा देखने को। तो देख सकते हो हालांकि अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्मी पड़ रहा है इधर, तो मैं इधर ये लोग का पानी का जो मात्रा है, पानी ऑल टाइम अवेलेबल रहता है ये लोग का केज में, सीड भी ऑल टाइम मैं दे के रखता हूँ। एंड पानी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देता हूँ एंड पानी भी डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। नीचे में जैसे देख सकते हो ये टैंकी है, इसमें बहुत सारा पानी, इसमें पानी भर दिया हूँ ताकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना थोड़ा ठंडा ठंडा लगे एंड बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा करके आप सेट कर सकते हो। तो गाइस आप ऐसे सेट कर सकते हो बर्ड्स का, आप प्रोग्रेस कैसे, आप बर्ड्स का प्रोसेस कैसा, सेटअप कैसे आप लगाओगे, बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो डाल के रखे हैं, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। बट बेसिकली आपको पेशेंस रखना है एंड एक अच्छे से पेयर को सेट करना है एक अच्छे से केज का साइज में, ताकि क्योंकि वो ब्रीडर पेयर रहेंगे तो उनको एक हेल्थ भी इशू हो सकता है, तो उनको थोड़ा फ्लाइंग करने का स्पेस भी होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ब्रीड करे और अच्छे से वहाँ पे प्रोडक्शन दे, अच्छे से वहाँ उसका जो चिक्स आए वो भी हेल्दी हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सारे चिक्स हैं यहाँ पे, जो भी चिक्स है सारे हेल्दी ही हैं।
एंड डाइट का बात करें इनका, फीड का, तो फीड में आप बहुत कुछ दे सकते हो, जैसे बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ फीड के ऊपर, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो गाइस। एंड बहुत सारे यूट्यूबर भी वीडियो डाल चुके हैं फीड क्या क्या दे। तो बेसिकली आज के मुझे यही बताना था आप लोगों को कि आपको पेशेंस रखना है, बजिस अगर एक पेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर अच्छे पेयर हैं तो बहुत हो जाएगा वहाँ, मतलब थोड़े टाइम में बहुत सारे चिक्स हो जाएंगे, बहुत सारे बजिस हो जाएंगे। इस वाले एवेरी से मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस करवाऊंगा, और जैसे जैसे मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे होगा मैं आप लोगों को अप टू डेट कराते रहूँगा, एक एक वीडियो में आप लोगों को अप टू डेट कराता रहूँगा कि मेरा बजिस का क्या प्रोग्रेस रहा है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ आइडिया मिल गया होगा। एंड तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे अगर आप इस वीडियो पे नए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।